नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कोश। आज के बदलते लाइफस्टाइल और गलत खाने पीने की वजह से डायबिटीज की समस्या हो जाती है। ये समस्या ना केवल बूढ़े लोगों को होती है बल्कि आज के युवा भी इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। यानी आज ज्यादातर लोग डायबिटीज की बीमारी से ग्रस्त हैं। इसके चलते उन्हें रोजाना शुगर लेवल चेक करना पड़ता है, इसीलिए इसे कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। डायबिटीज की समस्या दिन पर दिन बढ़ रही है। इसी को देखते हुए आज हम इस बीमारी को कम करने के लिए एक रामबाण इलाज लेकर आए हैं, सेज की पत्तियां। जी हाँ, सेज की पत्तियों को ऋषि के पत्ते भी कहा जाता है। इन पत्तियों को काफी लंबे समय से डायबिटीज के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कई रिसर्च में ये बताया गया है कि सेज का पौधा एक नेचुरल जड़ी बूटी है जिसके पत्तियां ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होती हैं। आपको बता दें, एक क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 80 लोगों को शामिल किया गया था जिनमें डायबिटीज पाई गई थी और इस पर कंट्रोल पाना बेहद मुश्किल था, जिसके बाद रिसर्च में ये पाया गया कि 2 घंटे के फास्ट के बाद उन लोगों का ब्लड शुगर का लेवल काफी कम हो गया था जिन्हें सेज के पत्तों का अर्क दिया गया था। ये जड़ी बूटी रोसिक्लेटाजोन की दवा की तरह ही काम करती है। ये डायबिटीज विरोधक दवाई है जो ब्लड शुगर को कम करती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधार करती है। चलिए तो अब आपको बताते हैं हम सेज के पत्तों का आप इस्तेमाल कैसे करें। आप सेज के पत्तों का इस्तेमाल कई तरह से कर सकते हैं, जैसे कि इसके पत्तों को चाय में डालकर पिया जा सकता है। इसके साथ ही टेस्ट बढ़ाने के लिए पत्तियों का इस्तेमाल सब्जियों में डालकर भी कर सकते हैं। इसके अलावा पत्तियों का सेवन भी कर सकते हैं। आपको बता दें, सेज की पत्तियां ना सिर्फ डायबिटीज के लिए लाभकारी हैं बल्कि अन्य कई बीमारियों का इलाज भी करती हैं। इसकी पत्तियों का सेवन याददाश्त यानी मेमोरी तेज करता है, साथ ही सर्दी बुखार अस्थमा जैसी बीमारियों का इलाज भी करता है। इसके साथ ही मुंह और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लाभकारी है। इसके अलावा सेज में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, इसीलिए इसके इस्तेमाल से वजन को कम किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप चाहते हैं ऐसी कई और जानकारियां तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।